हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योत्साचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनकी प्रगति क्या होगी, किस क्षेत्र में कार्य करेंगे, सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। और घर की स्थिति कैसी रहेगी, घर में किलकारी गूंजेगी या सहनाई बजेगी, शेयर से लाभ मिलेगा या भूमि भवन से लाभ मिलेगा, या रियल इस्टेट से इनको प्रॉपर्टी मिलने वाली है या दूसरे का प्रॉपर्टी मिलने वाला है, किस क्षेत्र में जिनका होगा और जो विवाद चल रहा होगा उसका क्या हाल होगा, सारी बातें बताएंगे। राजनीति की स्थिति क्या रहेगी ये भी आज हम आपको बताएंगे। आपके लिए शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है ये भी बताएंगे, और आपको असावधानियाँ क्या बरतनी, उपाय क्या करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप क्या करें कि अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें, और आप क्या प्रश्न जानना चाहते हो प्रश्न भी जरूर लिखें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन चतुर्दिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज आपको चौतरफा धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा होगी। यदि आप पुलिस में, सेना में या किसी सरकारी नौकरी के लिए अगर आप एफर्ट कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आज आपको प्रयासरत कार्यों में सफलता मिलेगी, माली हालत आपकी अच्छी होगी, माता पिता का सुख मिलेगा, बहन भाई का भी सुख मिलेगा। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी में अगर आप कोई भी पूंजी निवेश करते हैं तो आज के लिए आपका दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास सार्थक होगा, राजनीति से जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, टिकट मिल सकता है, चुनाव लड़ सकते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तेज गति की गाड़ी ना चलावें नहीं तो दुर्घटना इत्यादि होने की भी संभावना बन रही है। यदि प्रॉपर्टी में, रियल इस्टेट में अगर कोई भी लिटिगेशन चल रहा होगा तो आज आपके विपक्ष में जा सकता है, उसमें आपको निराशा हाथ लग सकती है। शेयरित आदमी पूंजी निवेश न करें। साझेदारी में किया गया कार्य आपको नुकसान पहुंचा सकता है, किसी पर ज़्यादा अंधभक्ति या अंधविश्वास आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ करके किसी भी रिश्ते को आगे बढ़ावें। जो आपके पास पुराने रिश्ते हैं उसी को कंटिन्यू रखें, नए रिश्ते बनाने के चक्कर में न पड़े, नहीं तो आपको कोई चीट कर सकता है, डिच कर सकता है। और किसी भी स्ट्रेंजर से लेन देन न करें, नहीं तो आपको आज नुकसान होने की संभावना बन रही है। प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, माइंस में अगर आज आप पूंजी निवेश करते हैं तो उससे भी आज आपको फायदा मिलते हुए दिख रहा है। हेल्थ वेल्थ आपका ठीक रहेगा, और अपने अतिंद्रिय ज्ञान की बात माने, जो आपका इंट्यूशन कहता है उसकी बात सुने, अपने इंट्यूशन को कभी भी इग्नोर ना करें। जो आपके अंतरात्मा की आवाज़ पर आपको निर्देश मिले अगर वो कार्य करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी नया कार्य करते हैं तो सेकंड एडवाइस, माता पिता के एडवाइस, अपने मित्रों का, शुभचिंतकों का एडवाइस लेके करें, और जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ ना करें, एग्रेशन पर नियंत्रण रखें। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, अपने गुस्से पर, एग्रेशन पर नियंत्रण रखना, उपाय क्या करना है, आज आप बंदरों को खेला खिलावें और हनुमान जी की आराधना करें। और आज आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।